Uh, Respected all, as alaikum I hope you all are safe and sound. I am Zohaib Ahmad Khan, President, UMT Scouts Club. I uh, welcome you all on the behalf of UMT Scouts Club and UMT uh, Sports Society in this interactive and amazing webinar. Uh, so uh, today's topic of our webinar is the unifying power of uh, sports in nationalism. So we are honored that uh, we have our respected guest speaker, Mr. Muhammad Asim Khan with us. So without me, I will introduce our respected guest speaker. So he is uh, the chief instructor of the Civil Services Academy. Uh, he is a trainer. He's a teacher and an international author as well. So Mr. Asim, our guest speaker, has more than 27 years of teaching, training, and corporate experience, uh, both locally and at in Asia, Europe, and North America. Mr. Asim trained more than 1,000 employees uh, in soft skills. He has conducted trainings and workshops in different fields of study. He also uh, published, published uh, a book on Amazon named as Eight Hidden Commandments Champions Don't Violate. He is the first Pakistani to publish a book on sports internationally. So without delay, I will request our guest speaker, uh, Mr. Muhammad Asim Khan, to kindly proceed. Sir, please. Thank you very much. Uh, I welcome you uh, on this webinar and thanks to the umt uh, administration as well as the faculty for inviting me uh, for this uh, lecture. i will say more of a discourse. Uh, i hope that you can hear me, all of you. yes, sir. yes, okay, yes sir. okay, okay, danji. may i know how many of you are here on the zoom? okay, are 16. that's 16, ji. done, ji. Done, no problem. अच्छा व्हाट आई वुड लाइक टू से स्पोर्ट्स एज यूनिफाइंग फैक्टर ये देखा गया है और मैं इसको यू वांट मी टू गिव अ लेक्चर और यू वांट टू कैरी आउट अ डिस्कोर्स एज यू आपके लिए देखें इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस ऑडियंस क्या चाहता है मैं लेक्चर दे दूं पहले कि डिस्कोर्स के साथ एक क्वेश्चन आंसर भी चलता जाओ और बीच में बोलता भी जाऊं जिस तरह आप समझते हैं बेहतर मैं उस तरह ओके okay. uh, पहली चीज है कि आई विल से इट इज नॉट द लास्ट वर्ड ये हर आखिर नहीं होता दूसरी बात है जो भी मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ इट्स माई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नॉलेज और आपका भी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड नॉलेज होगा और इस तरह ही नॉलेज इवॉल्व करता है यही हमें जिंदगी ने सिखाया है कि हमारा कंट्रीब्यूशन होता है मोनोलॉग नहीं होता एक्सक्यूज मी मी यू हैव फुल राइट टू डिसएग्री विद माय ओपिनियन बट एट द सेम टाइम योर माइंड विद कंपेलिंग लॉजिक मेरा मकसद इस वेबिनार का ये है कि किसी भी मेरी ट्रेनिंग का जो मैं पूरी दुनिया में देता रहा हूँ मैंने यूएम में भी पढ़ाया भाई जी uh, मैंने लाहौर की सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है uh, मैं अब चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल एकेडमी का जिसना बताया गया था रिसेंटली मेरी बुक छपी है इंटरनेशनली स्पोर्ट्स के ऊपर और ये अप्रैल के महीने में टॉप ट्रेंड भी रही है मीडिया में भी काफी आता रहा है मकसद मेरा यही है कि स्पोर्ट्स के जरिए जो है ये वो ग्राउंड होता है जिसको मैं मेटाफोर फॉर लाइफ कहता हूँ स्पोर्ट्स को इस बुक में मैंने लिखा स्पोर्ट्स जिंदगी का एक मुहावरा है मेटाफोर फॉर लाइफ इसका मतलब ये है कि आदमी स्पोर्ट्स से बहुत जल्दी सीखता है फंडामेंटली दिनों का जो सदियों का फास्ता है दिनों में तय होता है और मैंने एक दफा मीडियम पे आर्टिकल भी लिखा था कि स्पोर्ट्स इंसान का बुनियादी हक है बच्चा तो माँ के वोम में भी किक्स मार रहा होता है उसकी मूवमेंट शो करती है बच्चा प्ले से सीखता है और इम्प्रिंट करता है जो टीम वर्क लीडरशिप जो स्पोर्ट सिखाती है वो दुनिया का कोई लेक्चर नहीं सिखाता मैं आपको बता दू। दुनिया कोई लेक्चर नहीं सिखाता मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ हटके क्योंकि मैनेजमेंट भी मेरा फील्ड है ये जैपनीज के जापान के अंदर जो था ये मैनेजमेंट स्कूल तो खुले हैं जाके लेट नाइन्टीज में नाइन्टीज में तो जापान बहुत आगे चला गया था उन्होंने टीम वर्क वगैरह कहां से सीखा है उन्होंने सीखा है फैमिली सिस्टम से वहां तो से टीम वर्क उन्होंने क्यों चूज किया है ये मैं आपको इसके बता दू तो मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे अब मेरा नया प्रोजेक्ट भी यह है अब मैंने एक दफा आज से आठ दस साल पहले आर्टिकल लिखा था फुटबॉल एंड पाकिस्तान मूवमेंट आपको पता पाकिस्तान जो मुसलमान थे

नहीं, इस्लाम तो हमेशा से था ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने लेकिन उसने तो पूरे इंडिया को यूनाइट किया था एक दफा हाँ नहीं यूनाइट करने के लिए यूनिट देखे यूनिटी के साथ इंस्पिरेशन होती है ये नहीं होता आप कठे हो गए बस कहीं निकल गए वो तो मॉब होता है हाँ? वो तो मॉब होता है बंगाल के अंदर कैलकटा में कुछ बच्चे मट्टी में फुटबॉल खेल रहे थे और वहां पर दो तीन बंदे थे एरिस्टोक्रेट स्पोर्ट्स तो ज्यादा चेंज इलीट लाती है आपको तो याद होगा कि पैगंबर को भी खुदा ने अगना बोला है कि हमने तुम्हें गनी कर दिया पैगंबर इलीट में से होता है हमेशा और ऊंचे कबीले से उसका इंपैक्ट बहुत आता है जब गनी होता है तो फिर रास्ता भी मिलता है और वो आदमी इंपैक्ट छोड़ता है खैर कट टू द पॉइंट तो वहां पर जो मुस्लिम इलीड के कुछ लोग थे जिसमें भीमजी थे मुल्क मुल्क नवाब नाम सुना होगा ये लोग थे उन्होंने बच्चों को मटी में खेलते देखा तो उन्होंने उसके बाद वहां पर क्योंकि मुसलमान में थे ये लेट 1800s की बात है तो उन बच्चों को जहर नवाब वगैरह थे छोटी मोटी बातें करते रहते थे एक दूसरे से कहा अभी ये करना चाहिए करना चाहिए सरसियत की अलीगढ़ मूवमेंट तो चल रही थी लेकिन उसके अगेंस्ट भी बहुत से लोग थे आपके सामने आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उस केस में वहां पर जो मुस्लिम इलीड थी इन्होंने कहा जी इन बच्चों को खिलाने के लिए हम कुछ सामान समून दे दिया करेंगे वो बच्चों ने खेलना शुरू किया और लोग भी आगे और उन्होंने फिर एक क्लब की बुनियाद रखी उसका नाम था क्रिस्टन क्लब ये एटीन या सेवेंटीज में खुलता है और फिर वो क्लब जो था उसके अंदर उन्होंने टैलेंट्स जो थे फुटबॉल के जो खेलने वाले बच्चे थे वो आते गए और उसके अगेंस्ट इंडिया का एक क्लब खुला उसका नाम था मोहन बगान और तीसरा क्लब जो इंग्लैंड का था उसका नाम था विक्टोरिया ये क्लब्स में छोटे छोटे मैचेस हुए लेकिन फिर बाद में इस क्लब का नाम जो है क्रिश्चियन क्लब का नाम रखा गया मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब सुना मैं नाम कभी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब का फुटबॉल कोई सॉकर का यहां पे बैठा हो एनीबॉडी No, नो सर अच्छा, ये भी मुझे बात एक बंगाली ने कनाडा में मैं रहता था वहां पर बताई थी मैंने फिर ये नेशन में छपा था द न्यूज के ऊपर ना तो उसमें यह था कि जू जू ये क्लब जो है ये तरक्की करता गया मुसलमानों की पोलिटिकल मूवमेंट भी आगे बढ़ती गई उन्नीस में मुस्लिम लीग बनती है और इस क्लब ने जो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था उसको बोलते हैं ड्यूरेंट कप डी यू आर ए एन डी ड्यूरेंट कप और उसने 1940 में वो ड्यूरेंट कप जीता था कुछ 1940 से जेन में याद आती है चीज 1940 डज इट रिंग द बेल्स 1940 यस yes, सर क्या है yes, sir. क्या है द होल रेजोल्यूशन थैंक यू सर और उस क्लब में मुसलमानों के काबुल से लेके बंगाल तक प्लेयर शामिल थे और उन्होंने जब यह कप जीता तो उसमें उन्होंने एक नारा लगाया कि तुमने देश का नाम रोशन कर दिया मोहम्मद तुमको सलाम दिस स्लोगन रेवरब्रेटेड थ्रूआउट ब्रिटिश अंपायर स्पेशली मुस्लिम इंडिया ब्रिटिश इंडिया और इसका एक एविडेंस 1946 1946 1940 छपी भी थी ये हाथ मिला रहे इस क्लब के लोगों से ये थी वो मूवमेंट या ये वो चीज थी जिसकी बुनियाद पे एक बहुत बड़ा फैक्टर था यूनिफाइंग और फिर एक बंगाली उसने बोला भी था एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान बनने के बाद

उसकी यूथ जो थी किंगडम बड़ी खुशहाल थी पैसे आते थे ग्रीस सिविलाइजेशन थी लेकिन उसकी यूथ जो थी वो काबू नहीं आती थी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी यूथ ड्रग्स में उस जमाने में प्रोस्टिट्यूशन में एशियों में बात नहीं सुनती थी पढ़ती नहीं थी उसने बड़ी सजाएं सुनाई लेकिन सजाओं से क्या बनता है यूथ को क्या सजा देनी है दे के दे क्या कर लेंगे उसका थक गया वो फिर वो एक पहाड़ी है माउंट ओलंपस वहां पे बैठती थी ये ग्रीस में आया ना उस जमाने में, जो आपने, हो आपने देखा होगा वो बिल्कुल एक वो क्रिस्टल बॉल उसने रखा होता था तो वहां पर बैठे पत्ते खा रही थी किंग उसके पास गया उसने कहा मेरी यूथ काबू नहीं आती मुझे कोई बताओ एल्केमी में करूं क्या उसने पत्ते मुंह में डाले और उसने कहा स्पोर्ट्स को शुरू करो तो उस बादशाह ने कहा कि स्पोर्ट्स मैं कर देता हूं शुरू इससे क्या होगा उसने कहा सब कुछ हो जाएगा उसने वहां पर बैठ के उसे पॉइंट किया टुवर्ड्स माउंट ओलंपस और उसने कहा शुरू करो यहाँ पर उसने फिर एक शहर आबाद किया जिसका नाम था ओलंपिया और वहां से एंशंट ओलंपिक्स की बुनियाद रखी गई जैसी वो ओलंपिक्स शुरू हुई यूथ डिसिप्लिन होने लग पड़ी खुद ब खुद खेल में लग गए किंगडम एक्स चेकर रिटर्न कर गया प्रॉस्पेरिटी वापस आई एंड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और उसकी इंस्पिरेशन में वहां पर एक आया जिसने एक स्कूल खोला. उस स्कूल नाम था लाइसियम एल वाई सी एम ये आपने सुना होगा ये ग्रीक का लाइसियम वो स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक्स था जिसे कैलेस्थेनिक्स बोलते हैं और उस स्कूल से एक बंदा पढ़कर कॉन्कर बना जो ग्रीस इंस्पिरेशन से बना उसका नाम था अलेक्जेंडर दी ग्रेट ये थी जी यूनिफाइंग हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं ये आवाज बीच में बार बार आ रही है मैं इट इट इज वेरी डिस्टरबिंग। सर कौन सी आपकी ये टोन आती है बीच में अच्छा वो ज्वाइन कर रहे होते जा रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं सर अच्छा अच्छा उस केस में ये हुआ ये जो ओलंपिक्स जब खत्म होती हैं उसके बाद वहां पर ग्रीस में किंग आया उसने जब ओलंपिक्स खत्म की तो ग्रीस का डाउनफॉल शुरू हो गया था ये मैं आपको बता दूं आप हिस्ट्री पढ़ने रोमन्स के साथ भी हुआ था मुसलमानों के राइस में भी इसका बड़ा रोल है ये मैं आपको बता दूं स्पेशली हजरत उमर के टाइम में घोड़सवारी जब ये बसरा कॉन्कर होता है तैराकी और घोड़सवारी मैंडेटरी थी और ये बाद में स्पेन चली गई थी जो अरेबियन हॉर्सेस हैं ये जो इकबाल बालनी का था शमशीर सना अव्वल सकाफत ये जो सकाफत का लफ्ज है सकफ से निकला है तलवार के खम को ठीक करना होता है तलवारों की झनकार को भी कहते हैं ये मुस्लिम्स करते थे इट वॉज ए स्पोर्ट ये तो नहीं कि एकदम बम मैदान जंग में उतरा लड़ना शुरू कर दिया ट्रेनिंग होती थी बकायदा बचपन से वो बच्चे खेलते थे उनके उनके कल्चर में ये चीज थी घोड़ा और तलवार एक उनकी गेम भी थी स्पोर्ट थी ये पूरी तो ये हमने एवॉल्व किया था हिस्टोरिकली जो कि हमारी हिस्ट्री से टोटल तबाह हो गया जिसने ये आपको कहानी बताई बताइए मोहम्मद की हमारी हिस्ट्री से इट हैज बीन वाइप्ड आउट ये दुनिया की जितनी बड़ी लीग्स है ना आप देखते हैं ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक आपके ख्याल में ये दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े ये जो होते हैं हुक्मरान जो हैं या ये बैठ जाते हैं जी हमें ओलंपिक दो उनका दिमाग नहीं खराब है आप सोच नहीं सकते कि स्पोर्ट्स क्या कुछ बदल देती है लोगों का बगैर फोर्स को यूज किए कितना पैसा उस मुल्क में जुड़ने उठा बल्कि कोई मुल्क उठ रहा होता तो वो यही शो करता है कि हम उठ रहे हैं हमें ओलंपिक्स मिली है कोरिया की मिसाल आप देख लें चाइना की मिसाल आप देख लें टू थाउजेंड एट में स्पेशली ये मॉडर्न ओलंपिक्स जो थी इसकी बुनियाद रखी गई थी फ्रांस में पेयर डी कॉब इन आदमी का नाम था और लीग ऑफ नेशन से पहले ये बनी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसमें उसने यही लिखा हुआ है कि मैं इंसानियत को यूनाइट करूंगा ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का आइडिया दिया था ये जो है मॉडर्न ओलंपिक्स में जो हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जब बनी है 1896 में ये थी वो बनी आपका पाकिस्तान बनता थोड़ा सा एनवायरमेंट को देखे एक मुल्क के लोग चार गेम्स के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 94 तक कोई ये इट्स इट्स नॉट समथिंग ये तो नहीं है जैसे ही पाकिस्तान बनता है स्कॉश के दस साल तक आप दुनिया पे हुकूमत करते हैं हाशिम खान के जरिए सिक्सटी में ओलंपिक ले जाते हैं के अंदर आप वर्ल्ड कप ले जाते हैं जब स्टार्ट होता है दो तो ओलंपिक्स आप ओलंपिक्सटीस के टिकेट में उठा जाते हैं फिर चार वर्ल्ड कप आप जीतते हैं तीन ओलंपिक्स जीतते हैं फिर आप क्रिकेट में आते हैं उसके बाद आप उसमें स्नूकर में आते हैं दिस शोज कि इसका यूथ को हार्नेस करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री डिक्लेयर करना पड़ेगा पंद्रह अरब डॉलर की पाकिस्तान की पोटेंशियल है दस अरब डॉलर की इंडस्ट्री की स्पोर्ट्स पोटेंशियल

क्रिकेट की जो पोटेंशियल है ना तीन अरब डॉलर की इंटरनेशनली पाकिस्तान बीइंग लीडिंग क्रिकेट नेशन अगर ऑप्टिमाइज कर दे पांच सौ मिलियन डॉलर उठाता है इसकी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं। ये मुल्कों का दिमाग नहीं खराब मॉडर्न ओलंपिक दुनिया की जो पहली मोशन पिक्चर बनी है उसका नाम था ओलंपिया नाइनटीन में बनी थी ओलंपिया जर्मन ने बनाई थी और सिनेमेटोग्राफी के बानी है Germans. वहां पर सिनेमेटोग्राफी शुरू होती है वो स्पोर्ट्स ने सिनेमेटोग्राफी सिखाई है उधर से दो जर्मनी की कंपनीज निकली एडिडास और प्यूमा ये ये जो आप ओलंपिक का नहीं लेके चलते वो मशल जलाते हैं वहां पे ग्रीस में और दौड़ता हुआ आता है एथलीट और आके वहां पे पूरी दुनिया फिरती है वो मशल फिर आके उस मुल्क में रोशन की जाती है ये जर्म ने 1936 में स्टार्ट किया था रूस के अंदर ये स्टडी हुई थी कि रूस में कैमरिज्म था मगर इतना शदीद रिवोल्ट क्यों नहीं हो रहा था यूथ सत्तर साल तक बीच में बात क्या पता लगी कि यूथ की एनर्जी को स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कंपल्सरी थी यूथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी ओलंपिक में बहुत आगे था रूस जो है तो ये आपने हमने खुद देखना है लेकिन उनमें प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स रेजिमेंटेड हो जाती है हमारे यहाँ उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे लोगों में इतना टैलेंट है इतना पोटेंशियल है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है

ओके okay, सर आप जब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं सर हर किस्म के स्पोर्ट्स लेकिन आपने बात नहीं की, हाँ, बिल्कुल. मैं, उसके, मैं ये कह रू ना ऑनलाइन स्पोर्ट्स की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि स्पोर्ट्स जो है ना आपकी जिसको बोलते हैं उसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो आप रियल स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं होता स्पिरिट इन्वॉल्व नहीं होती फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती तीनों चाहिए होती मॉडर्न स्पोर्ट्स माइंड में चली गई है भाई ये 1960s में में अमेरिकन माइंड थे दुनिया में जो फिजिकल फिटनेस की बुनियादी वजह वो मेंटल टफनेस है आपको पता जो final team में है जब फाइनल टीमें खेलती हैं तो कौन सी टीम जीतती है जिसपे पूरी साइकोलॉजी है ये तो नहीं कि जिस टीम को अच्छा खेलना आता है अच्छा तो सबको खेलना आता है जो पहले रैंकिंग में सौ प्लेयर्स चले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो टीमें पहुंचती है इक्वल लेवल ऑफ स्किल होता है ऑलमोस्ट जिस टीम को अपने ऊपर फखर होता है वो जीतती है फाइनल ये पूरी एक साइकोलॉजिकल ट्रेल चलाई जाती है लोगों को मेंटली टफ किया जाता है जहांगीर खान की विनिंग मेंटल मेंटल टफनेस से है बड़े बड़े प्लेयर थे उसके सामने वो पांच साल मेंटली बहुत टफ था ये जो माइंड है ना ये आपको चलाता है आगे स्टेमिना मॉडल स्टेमिना मोरालिटी स्टेमिना हर चीज का एक स्टेमिना होता है वो माइंड से निकलता है दिल से चैंपियंस मेरे बुक का पहला चैप्टर है चैंपियंस दिलों से बनते हैं और एक चीज मैं आपको बता दू एक चीज मैंने कई जगह पे स्टडी करके नतीजा निकाला था ग्लोबल डेटा में तो यार है मेक्स द चैंपियन चैंपियन को बनाता है टैलेंट नहीं बनाता टैलेंट के ऊपर माइथोलॉजिकल अस लग गए इंटरनेशनल दुनिया के हर लिटरेचर में यह मिथ होता है मैं कोई तीन हफ्ते पहले समीना आरफा जो है या आरफा करीम की जो मशनुमा जो छोटी बच्ची थी उसकी वालदा से मिला हूँ

इतना ज्यादा नहीं है तो ई स्पोर्ट्स जो है वो भी माइंड का गेम है मैं इसके खिलाफ नहीं मैं कह रहा हूँ जो फंडामेंटली बच्चे जो है आप देखें आप बच्चे को जरा फुटबॉल लेके दें उसे फील्ड में छोड़े उसकी वो जो डेवलपमेंट है ई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता ये मैं आपको बता दू कुछ हद तक कर सकता है वो ई स्पोर्ट्स में तो वो माइकल जॉर्डन की तरह बास्केट कर देगा फ्रेडर की तरह शॉर्ट लगा लेगा लेकिन रियल शॉर्ट तो नहीं लग रही ना उससे तो ई स्पोर्ट्स एक डायमेंशन है वो लेकिन दुनिया के अंदर ई स्पोर्ट से ज्यादा ये जो ओलंपिक्स और इन चीजों पर देख लें यूएफा वर्ल्ड कप हो रहा है ओलंपिक्स हो रही है कौमे पीछे पड़ जाती है ओलंपिक्स तो अभी जो जापान में ओलंपिक हो रही है उसमें जो सबसे बड़ा दुनिया में वो ट्रेंड बता रहे हैं टेक्नोलॉजी का बता रहे हैं कि बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलाएंगे चलाएंगे जो ओलंपिक्स में हम आपको लेके जाएंगे पिक एंड ड्रॉप देंगे अपनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट शो करते हैं ओलंपिक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर कॉमे कमाती है बिलियंस ऑफ डॉलर से फिर नई नई इंडस्ट्रीज बनती है शहर आबाद हो जाते हैं मुल्क उठ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स से क्लीननेस का आइडिया आता है यूथ क्लीन हो जाती है बातों से कहा क्लीन होना लोगों ने एनवायरमेंट से क्लीन होता है मोटिवेशन एनवायरमेंट से होती है लोग मोटिवेटेड होते हैं अपनी हेल्थ उठाते हैं आपके अस्पताल भरे हुए यूथ से वही लोग जो वन विलिंग कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स में आए उसके अंदर वो अपनी एनर्जी को दूसरी साइड पे लगा लें फुटबॉल खेलें हॉकी खेलें वो मोटर बाइक रेसिंग करें दूसरी रेसिंग करें उधर उन्हें चैनलाइज कर दें यूथ की एनर्जी को वन विलिंग से तो मर रहे हैं यूथ लेकिन उनमें एनर्जी होती है जो बच्चा के के एनर्जी, <coughs> एनर्जी तो मांगती है यूथ अब आपके जितने स्कूल हैं आपका एजुकेशन जो है इसको डी एजुकेशन में हमने माज के साथ कन्वर्ट कर दिया ग्रेड सबके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं लाइक बहुत है लेकिन वेयर इज आउटपुट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपने जो फील्ड से सीखना था मैं आपको गारंटी करता हूं मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं आपको साफ बात बताऊं मेरा कोई ताल्लुक नहीं मोटिवेशनल स्पीकर से मैं सिंपल एक डिस्कोर्स कैरी करता हूं मैं सिंपल प्रैक्टिकली चलता हूं मैं आपको एक सीधी बात बताना चाहता हूं यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट योर ऑन द फील्ड एनवायरमेंट दे स्कूलों के अंदर ग्राउंड है नहीं बच्चों का नहीं खेला खेला करें कब खेलेंगे वो जितनी देर की पढ़ाई उतनी देर की ट्यूशन और ये कोई इसे एजुकेशन कहते हैं आप ट्यूशन एक्स्ट्रा चाहिए बच्चे को ट्यूशन सेंटर बता रहे हैं हमारा बच्चा फर्स्ट आ रहा है ये तो कोई बात नहीं आप बच्चों को खिलाएं वहां से वो लाइफ की स्किल सीखें आप वो स्किल्स प्रिंटेड फॉर्म में दे रहे हैं उसको अप्लाई वो कब करेगा जो टीम वर्क उसने सीखना है वो तो सीखता नहीं है वो लेक्चर हो रहे हैं मोटिवेशन स्पीकर दे रहे हैं जो बचपन में हमने सीखे हुए हैं सच बोला करें मेहनत किया करें ओ भाई ये तो अब मुझे पचास साल की उम्र में कोई बता रहा है मेहनत करना चाहिए मुझे ये तो बचपन से पता लग जाता है बंदे को तो ये चीजें जो हैं हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए अपने यूथ के लिए यूथ के लिए काम करना है ये यूथ की इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स दस पंद्रह अरब डॉलर पाकिस्तान इससे बना सकता है इसमें एंटरप्रेन्योर्स आएंगे आप जैसे लोग आएंगे टी शर्ट बनाते हैं फिर खुशी होती है जी स्कूलों में ग्राउंड होने चाहिए जी जी

उस क्या और आपको फोकस क्यों करते हैं क्योंकि आपकी आवाम का स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट हट गया हुआ है जब स्कूलों में स्पोर्ट्स नहीं हो रही पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियन ही बनाना स्पोर्ट्स से आपने पहले नेशनल करेक्टर बनाना होता है आप लेयर्स बनाते हैं टीयर्स बनाते हैं

वो तो ग्यारह प्लेयर खेल रहे हैं बाकी जो रणजी ट्रॉफी पूरे साल आईपीएल और पी एस एल सब कुछ जो होता है वो क्या होता है उसमें वो प्लेयर्स आ हैं जो इमर्जिंग होते हैं पेरेंट्स उनका भी रिस्क लेते हैं कई किस्म के इलाकों के अंदर आपकी टीम्स टीम्स बन जाती हैं उन टीम्स में पांच दस साल बच्चा खेलता है वो तीन तीन लाख रुपया महीना बना रहे हैं कोई करियर मिलता उनको उसके बाद वो अपने बिजनेस शुरू कर देते हैं जब तक एक चीज इकोनॉमिक रियलिटी पे फॉल नहीं करेगी आप नहीं उठाएंगे फीफा ने बैन इसलिए लगाया कि यहाँ पे कल्चर ही कुछ नहीं है यही नहीं पता कि फीफा ने बैन क्यों लगाया करप्शन लगाया उन्होंने पैसा पैसा दिया दिया हमने उजाड़ तो पैसा मुल्क खुद है है गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते है, याद रखिएगा तो जो लीग है ना फीफा की वो में चार है। उनके हैं ये आपने सुना होगा सुना I, Universities आ, का एक है। लीग लीग जी क्या बोल रहे हैं मुझे दोबारा बताइए प्लीज सर एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, है शायद या बत्तीस नहीं आईवी लीग्स जो है ना ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ये इनिशियली चार यूनिवर्सिटीज थी अमेरिका के अंदर सिक्सटीन हंड्रेड में यूनिवर्सिटीज बनती हैं एटीन हंड्रेड तक ये बनी थी चार यूनिवर्सिटीज इनमें इनिशियली चार यूनिवर्सिटीज थी हार्वर्ड प्रिंस्टल येल और कोलंबिया अब ये आठ हो गई हैं इनमें डरमाउथ कॉलेज एक आ गया है एक आपके आ गया ब्राउन यूनिवर्सिटी आ गई है एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया आ गई और एक पॉर्नैल आ गई है ये आईवी लीग कल्चर से निकला था आईवी ये आईवी वी लफ्ज नहीं है आईवी वी फोर है रोमन स्क्रिप्ट में फोर होता है ये चार लीग्स थी इन चार यूनिवर्सिटियों में फुटबॉल होती थी और प्रेस्टीज थी वो

अगर एडिडास और प्यूमा इतना बना सकते तो पाकिस्तान में आपकी सियालकोट स्ट्थ, की नहीं बना सकती लोग आप बॉल बाहर बेचते हैं पाकिस्तान की एनवायरमेंट में दे दें यहाँ पे भी तो लोग खरीदेंगे छब्बीस करोड़ का मुल्क है क्योंकि हमारी नेशंस याद रखी है बेटा एक बार जेन में रखना नेशंस रिसोर्सिस से गरीब नहीं होती ना रिसोर्स की ज्यादा से ना कमी से नेशंस गरीब होती हैं पुअर चॉइसेस से तो जब एक inherent potential तो आप आपको दस अरब डॉलर माइकल जॉर्डन भेंकता अमेरिकन इकोनॉमी में स्पेस जैम मूवी बनी हुई है उसके नाम की अब वो स्पेस के अंदर क्या हुआ है कार्टून मूवी है उससे वो कितनी पैसा बनाते हैं वर्ल्ड डिज्नी की स्पोर्ट्स की पूरी एक वो टीम है जिसको स्पॉन्सर करता है उनका बिजनेस एंटरटेनमेंट है लोग आते हैं इसके अंदर क्यों नहीं आते हम लोग इस तरह फाइन रहे अगर सऊदी अरब का किंग बिडिंग कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो लोकल क्लब्स बनाए अपने मुल्क में यहाँ पे हम तो अपनी ओलंपिक शुरू कर दें ये आप तो खैर पैदा भी नहीं हुएंगे 1988 में लाहौर पाकिस्तान में सैफ गेम्स हुई थी इतना पैसा जनरेट हुआ था कि आप सोच नहीं सकते नाइनटीन हम लोग इस ट्रेंड पे नहीं है फिर लोकल गेम्स रखाएं यहाँ पे तो अमेरिका पूरी दुनिया में लोकल सीजन होते हैं तीन माह बास्केटबॉल तीन माह फुटबॉल तीन माह जनरेट होती है स्टेडियम में कितना बंदा जाता है टिकट नहीं मिलता तो उससे कितनी इकोनॉमी जनरेट होती है वो फिर सर्कुलेट होता है पैसा डिफरेंट डायमेंशन में मेडिसिन में जाता है स्पोर्ट्स की हेल्थ केयर में जाता है आपका हेल्थ केयर बजट गिर जाएगा एजुकेशन में जाएगा बिल्डिंग्स बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ग्राउंड्स बनेंगी उन ग्राउंड्स में कोचेस आएंगे लोग आएंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय बनते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बनती एक फील्ड आप खड़ी करते हैं उसमें गार्डनिंग होती है उसमें बड़े होते हैं रिसर्च करके घास को ऐसा बनाया जाता है घास ज्यादा ना हो गए पानी में वो बिल्कुल ना हो उसको पानी को सक कर लेता है इसके पूरी एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, है, है। इनपे पूरी स्टडी होती है एक एक प्लेयर के ऊपर ये पाकिस्तानी प्लेयर पे स्टडी होती थी हॉकी की मुझे याद है समीला वगैरह पे बाहर से उतना कैमरे उठाकर रहते हैं इनकी पूरी स्टडी की प्लेयर कैसे मर्ज कर रहे तो वो वो स्टडी साइकोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बड़ा पैसा बनाता है कितने करियर हैं स्पोर्ट्स के अंदर ही इतने करियर हैं क्या आप सोच नहीं सकते सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में करियर जो है अमेरिका और जर्मनी में निकला है। फिर वो मुल्क देख लें स्कैंडविया के वो पाकिस्तान और इंडिया को देखें इतनी आबादी और मेडल्स की लिस्ट देखें उनकी उनके मेडल्स देखें कितने वाटर पाकिस्तान में पहाड़ हैं दुनिया के सबसे ऊंचे लेकिन स्कीइंग के अंदर और ये विंटर स्पोर्ट्स में कौन से मुल्क आ गए स्कैंडिनेविया के माउंटेनिंग में कितना पैसा है टूरिज्म बनता है स्पोर्ट से करेक्टर बिल्ड होता है लोगों की एनर्जी चैनलाइज होती है बिहेवियर डेवलप होता है तमीज आती है लोगों को फाउल प्ले नहीं करना लाइफ में ये बचपन से सीखी जाती है आपको मैं एक चीज बता दू बच्चे कभी भी यूथ जो है वो भाषण से तंग आ जाती है कभी नहीं सुनती ना सुनना चाहिए इंसान ऐसा नहीं है इंसान लर्न बाय डूइंग से सीखता है जो देखता है वो सीखता है मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जी बच्चा सुन नहीं रहा मैं आप अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं पहले खुद तो वैसे बने मैं झूठ बोले जा रहा हूं अपने बच्चों को सच का भाषण दे रहा हूँ उसे नहीं समझ आएगा वो वही करेगा जो मुझे मुझे देख रहा है इसे इम्प्रिटिंग कहते हैं साइकोलॉजी में इम्प्रिंट हो जाती है चीजें आप उसे बाहर नहीं निकल सकते ये नॉलेज की डायमेंशन है ये कोई इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है तो ये आप बेटे चीज देखें तो ये इसके अंदर आप लोग स्पोर्ट्स में आप बनाए अपना करियर बनाए इसमें आप आए और इनिशिएटिव लोगों से आता है कल्चर बनेगा तो फिर आगे पॉलिसीज़ बनती है हमारा कल्चर नहीं चाहता हमारा आप कल्चर में आप सुन लें ये कोई जुमला है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो गए खराब ये जुमला है भला क्या खराबी बच्चों में एनर्जी है आप उन्हें स्पोर्ट्स कराई नहीं, नहीं। क्यों फिर कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है टैलेंट हंट कोई चीज नहीं होता याद रखिएगा कोई टैलेंट हंट दुनिया में नहीं होता यह इधर ही निकली कंपेयर फिर निकल निकालें टैलेंट कोई शक्ल पे लिखा हुआ है कौन बहुत अला प्लेयर है आप प्लेयर्स को चांस देते हैं स्कूलों में गेम्स होती हैं उसमें प्लेयर इवॉल्व होता है लोकल लीग्स होती हैं पहले स्कूल की लीग्स होती हैं कितने स्कूल की लीग है लाहौर में है ही कोई नहीं कोई पाकिस्तान स्कूल लीग हो फिर कॉलेज की लीग हो अमेरिका में तो एनसीसी नेशनल कॉलेज ऑफ एथलेटिक एसोसिएशन एनसीसी कहते हैं उसको उधर से प्लेयर निकालते हैं यहाँ पे एक दफा इस्लाहदीन पाकिस्तान के बड़े राउंड हॉकी के प्लेयर थे उनसे पूछा था इन्होंने में हमें प्लेयर क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान हॉकी का जवाल क्यों उसने कहा स्कूल कॉलेज से प्लेयर नहीं मिल रहा हम कहां से बनाए प्लेयर जो है ना ये शुरू में बन जाता है मैं सिर्फ प्लेयर की बात नहीं कर रहा पढ़ाई की भी बात कर रहा हूँ सब कुछ है वहां से बच्चे जो टीम वर्क सीखेंगे एक दूसरे से उठे बैठेंगे उसका तो जवाब ही कोई नहीं है इसे अब सिन कहते हैं मैनेजमेंट की जुबान में सर uh, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ से जनरेट हुआ है मेरा नाम है सॉरी मैंने लेट वो आपको ज्वाइन किया है जी, जी लाहौर की मैं बात करती हूँ सर यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो जिस तेजी के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है उनके पास बिल्डिंग्स बहुत कम होती हैं जिसकी वजह से ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है ठीक है तो सर फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले ये दुनिया में सबसे जो कम ग्राउंड्स हैं वो तो यूरोप के पास है, उतनी अवेलेबल ही नहीं। जर्मनी, पाकिस्तान से मुल्क है उनके पास ग्राउंड अच्छा मुझे अब जब जब करेंगे, तो मेरे से बोला नहीं जाएगा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी जी दे, दे, देखें शोर बहुत है हाँ। तैयबा म्यूट कर लो सर वो म्यूट हो चुके हैं आप कंटिन्यू करें सर जी देखे आपके दुनिया में स्पोर्ट्स के अंदर ना ये एक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होती है आपकी जो बिल्डिंग है ना यूएमटी की खाली मैंने वो देखी है उसके अंदर पूरा का पूरा कोई पचास स्पोर्ट्स हो सकती है अब तो वो ग्राउंड्स को रिमूव करके दूसरा ग्राउंड ले आते हैं स्विमिंग पूल ले आते हैं तो मैं छोटे तो स्कूल लेवल पे बात कर रही थी जैसे ये जो पे? जो छोटे छोटे स्कूल हैं सर वहाँ पे एक कनाल की बिल्डिंग के ऊपर है दो कनाल की उसके अंदर ग्राउंड्स जो है ना वो उन्होंने बिल्ड ही नहीं किए जाते और तो वहाँ पर क्या 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 ऐसा? ऐसा स्कूल तो बनाने की जरूरत क्या है इसमें सर गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के इजाजत क्यों दी जाती है कि छोटे छोटे स्कूल्स को जो है वो बिल्डअप किया जाता है उनकी जो रेपोटेशन है उनके ऊपर भी जो है वो कंप्रोमाइज़ वो कर लिया जाता है कि छोटी छोटी जो टीचर्स हैं उनको रखा जाता है वो इतनी स्किलफुली नहीं होती कि वो बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग करें अगर हम लोग अपने दौर को वो देखते हैं तो हमारे दौर में जो है एक टीचर जो है वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं था वो डॉक्टर भी था

मुझे बताएं गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेट करना होता है वो तो कल्चर ये बोल रहा है हमारे लोग हमारे लोग मानते नहीं है बच्चा खेले जो बच्चा खेलता मारते हैं उसे पकड़ के मुझे बताएं नहीं मारते घरों में बड़ा शरारती हो गया इसे दम करा लो इसको फलाना करा लो इसको फेंटी लगा दो जी पढ़दा नहीं पढ़ा नहीं पढ़दा नहीं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर था माइकल फेल्प्स को वर्ल्ड चैंपियन है न, दुनिया का और पानी से उसे डर लगता था वो इदारे बनाते हैं वहां वहाँ यहाँ पे जो स्कूल आई है खोले यहाँ पे इतने आपके स्पोर्ट्स सेंटर और जिम्स खुले हुए इनसे बात करें उनसे टाइमिंग हायर किया जा सकता है ये तो आपने खुद स्ट्रेटेजी बनानी है जाके बच्चे भेजें वहां पर ये ग्राउंड लाहौर के खाली पड़े हुए मॉल टाउन में कौन सी गेम्स होती हैं मुझे बता दें कौन सा रेगुलर स्कूल वहां पे बच्चे भेजता है मुझे बताएं आप घरों के अंदर जो है आपके जो है ये एक एक कनाल के स्कूल में तो आपकी ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हो सकती है शाम के टाइम खोलें फुटबॉल हॉकी खाली नहीं खेलनी ना और भी तो स्पोर्ट्स हैं आप वो वो कर लें एक कल्चर तो बिल्ड हो फुटबॉल हॉकी ग्राउंड्स बहुत हैं पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान खाली पड़ा हुआ है ये बिल्डिंग्स को वर्टिकल जब खड़ा करते हैं ये आपका एक्सपो सेंटर है वहां पे वो तो बन सकता है वो क्या वो कोरोना वाला लगाने वाला जो है वैक्सीनेशन सेंटर बन सकता है स्पोर्ट्स सेंटर नहीं बन सकता एक्सपो सेंटर जो है मुझे बताएं उसके बाद जो ग्राउंड है वहां पे दुकानें एरेक्ट कर दें बिजनेस अरबों रुपया बनाएंगे जब यूथ जाती है वहां पर उधर खेलेंगे उधर खाना पीना खाएंगे रेस्टोरेंट्स बनेंगे उसके ये तो पूरा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो सकती है वहां पर कितना बड़ा वो एरिया है वहां पे फुटबॉल ग्राउंड दें हॉकी ग्राउंड दें एथलेटिक ट्रैक बैठाए जिमनेजियम बनाए देखें वहां पूरा रिजॉर्ट टाउन वहां पे, पे शाम को जाया करेगा वॉक भी करेगा खाए पिएगा भी मैकडोनल्ड भी खाएगा इर्द हैं यूथ तो खाएगी खेलेगी और खाएगी इतना पैसा बनाएंगे कपड़े भी नए नए पहनेगी एक नहीं दस टी शर्टें खरीदेंगे वो ये मुझे सर हम किसे कसूरवार कहेंगे इसमें जी किसे कसूरवार कहेंगे इसमें कसूरवार सोसाइटी सोसाइटी आपका कल्चर रिस्पॉन्सिबल है कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है जैसी नेशन वैसे हुक्मरान ये मैं नहीं कहता अपनी हिस्ट्री को ट्रैक कर लें सर uh, जी जी सर uh, uh, आपने फर्स्टली uh, एग्जांपल दी कि हजरत उमर के दौर की uh, जब uh, उन्होंने घोड़ा और हाँ। ये आम थी चीजें तो सर हम कल्चर अगर देखें तो कल्चर तो हमें ये दिखाता है कि आप स्पोर्ट्स uh, को फुली इन्वॉल्व रहे तो सर uh, आप आप अभी आपने सर ये कहा है कि आपका कल्चर आपको यानी कि कल्चर की वजह से आप स्पोर्ट्स

आप अपने घर के अंदर ना मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दुनिया यहाँ तक चली गई है सर मैं इस तरह का देखिए सर मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ इतना बड़ा ग्राउंड है डी ब्लॉक का और सर मैं नहीं जाता क्यों यही तो सर क्यों नहीं जाता क्यों यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ लेजीनेस लेनेस भाई बात सुनो देखें बात सुने एक्सक्यूज़ेस नहीं ढूंढते ये मैं आपको बता दू खुद नहीं जाते लोग मैं खुद स्पोर्ट्स मैं खुद देखता हूं लोगों को फैसिलिटीज मिली हुई हैं जिन जगहों पे फैसिलिटीज बनी है जिन यूनिवर्सिटीज में लोग नहीं जाते लोग नहीं जाते फिर दूसरा हर बंदा शो मार रहा बैठ के जो मार्शल आर्ट सिखा ना वो ये बता रहा है कि उससे बड़ा ब्रूसली कोई नहीं है इस दुनिया में समझाई ना जो क्रिकेटर एक टीचर जब क्लास में आता है ना अगर झाड़ने आता है मैं कहता हूं, आपका काम भी कंट्रीब्यूशन देना है। ये सोसाइटी करेगी स्पोर्ट्स ये होता है टीम वर्क हरफे आखिर नहीं होता जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मेरा लफ्ज हरफे आखिर नहीं है मैं तो एक सोच पैदा कर रहा हूं मैं धोस नहीं जमा रहा आपके ऊपर अगर लगता है तो मैं माजत चाहता हूं उसकी आप सोचें जरा इसके ऊपर मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं आप काउंटर फैक्ट्स ले आप प्रूफ करें कि स्पोर्ट्स के बगैर जो है इंसान डेवलप कर जाता है करें प्रूफ मैंने आपको हिस्ट्री सुना दी है पाकिस्तान की हिस्ट्री सुना दी लोग आते नहीं है जी बेटा जी सर बिल्कुल आ, आ, हम इस बात को एग्री करते हैं कि स्पोर्ट्स के बगैर हमारी नेशन जो है वो तरक्की नहीं कर सकती पर सर हमें इंडिविजुअली इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि हम अगर हम क्या करें सर इसमें हम, हम क्या, क्या करें जी सर ये क्या ये क्या नाम है बेटा आपका सर रिहान मेरा नाम रियान बेटा एक्सीलेंट क्वेश्चन सिर्फ एक जुमला अगर तुम्हें तो समझ आ जाए तो मैं जिंदगी की समझ आ जाएगी मैं तुम्हें तो साफ बता दूं आई अप्लाई टू मी डू व्हाट यू कैन वेयर यू आर व्हाट यू हैव पीरियड मुझे आप ट यू हैव देखें वो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के उन्हें तो नहीं पता था मुल्क बन जाएगा वो तो उन बच्चों को सब खिलाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे वो क्लब बन गया अपने आप में लोग खुद उठ जाते हैं आपके अंदर से जहांगीर खान कहता था जब मैंने स्कोश शुरू की थी मुझे नहीं पता था मैंने चैंपियन बनना है घर दिया था बेचारे को इसका मैंने किताब में जिक्र लिखा हुआ है सेल्फ पिटी नहीं थी जहांगीर खान में चैंपियन सेल्फ पिटी के नहीं होते एक बंदी का मैंने लिखा जिसको पोलियो था अमेरिका में पोलियो की लड़की ओलंपिक चैंपियन बन गई थी रूल ऑफ विल का नाम है मैंने चैप्टर टू में जहांगीर और उसका जिक्र किया कि सेल्फ पिटी नहीं होती लोगों में कभी पोलियो का बंदा भी चलते देखा वो तो चल नहीं सकता ओलंपिक चैंपियन बन गए जरा उसके ऊपर ऊपर नेट के अमेरिका में भी कोई स्पोर्ट नहीं थी वो खुद उठते हैं जब सोसाइटी में आप खुद उठेंगे ना तो वो चीज जाग उठती है चीजें इवॉल्व हो जाएंगी आपको पता नहीं लगता जहांगीर खान कहता है आपके अंदर कितनी एनर्जी होती है जब आप अनलिस करते हैं अपने आप को हम तो अनलिश होने नहीं देते बातें किए जा रहे हैं देखें 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें मेरे 50 लेक्चर साइड पे हो जाएंगे जो आप लर्न करेंगे खुदा की कसम मैंने जिंदगी में क्लासेस के अलावा बाहर लेक्चर दी मैं बड़े मैं कोई जिंदगी में शायद पहला वेबिनार कर रहा हूं मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स मैं यूएमटी में पढ़ाता हूं अभी तक उनसे मेरे डाबते हैं मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूं ये अमल करो यू वॉन्ट टू डू बिजनेस डो इट और फेलियर से नहीं डरते ट्राइंग पाकिस्तान की हिस्ट्री का लीस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर इमरान खान आया था याद रखिएगा लीस्ट टैलेंटेड लेकिन टॉप बॉलर दुनिया का ऑलराउंडर बना है ना इसे बैटिंग आती थी ना बॉलिंग आती थी ना फील्डिंग आती थी ये कंफर्म्ड है लीस्ट टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड वसीम अकरम लीस्ट टैलेंटेड इमरान खान ये से मैंने से से नहीं स्टडी की तो सर तो टिकटॉक पे सारी यूथ जाया हो रही है है हमारी बेटा यही ना बिल्कुल लोग बताओ आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करें आप कितने रिलैक्स हो जाते हैं बॉडी में हार्मोन आते हैं आप सुकून से बैठ जाते हैं जो स्पोर्ट्स में रहता है वो लड़ता नहीं है याद रखिएगा आपका लड़ने को दिल ही नहीं करेगा आप इंसानों की इज्जत करेंगे वैसे जनरल बात बताता हूँ आप कभी बाल के मुख्य बेटा इससे नहीं हो रहा है मैं who, भी जो दूसरी मेरी किताब में जिसपे स्टडी कर रहा हूँ इन पे लिखनी है नेक्स्ट ईयर वो रोल इन है ये जो ना नाइकी नाइकी ये नागी, लिखा है कि जागीर खान से तो गौड़स 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 शादी की थी जो माउंट ओलंपस पे है ना गॉड जो गॉड है ओलंपिया का उसके साथ नाइकी बैठी हुई है जो जीत दिलवाती है उनकी मिथोलॉजी में था नाइकी वुमेन नाइकी इज ए गॉडेस ये ब्रांड नहीं सुना नाइकी का ये उसके नाम पे है तो ये आपके गवर्नमेंट्स नहीं बनाती है माइकल जॉर्डन को नाइकी ने चैंपियन बनाया है ये जो जो है 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 वो वो एडिडास और प्यूमा ने किया वुमेन का तो जो स्पोर्ट्स में वुमेन कर सकती है उनके दुनिया में सबसे पहले परफेक्ट टेन जिमनास्टिक में नादिया कमांची ने लिए थे वुमेन थी जो वुमेन की फ्लेक्सिबिलिटी है कभी अब मैं लाहौर ये जाता हूँ स्कोश सेंटर ना कई दफा वुमेन जो स्ट्रोक्स खेलती है मान से वो बंदा बंदा वो स्ट्रोक खेल ही नहीं सकता जो वुमेन के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी नेचुरल स्पोर्ट्स है वुमेन के अंदर एबिलिटी नेचुरल होती है एबिलिटी आपने उन्हें सिंफे नाजुक बना के कोने में बिठाया हुआ बिठा दो जो वुमेन खेले जनाब वो वो क्यों ना खेले क्यों वजह वजह क्यों ना खेले वो क्या प्रॉब्लम है इसको? वो नसीम अमीर ने नहीं हंड्रेड मीटर डैश में पहुंची थी साग गेम्स में टैलेंट है लोगों में जान मारेंगी आगे निकल जाएंगी और फैशन वुमेन लेके आई है स्पोर्ट्स में सारे फैशन वुमेन के पूरी फैशन इंडस्ट्री है और आप लोग बातें करते हैं कभी फैशन डिजाइनर के पास जाते हैं कपड़े कुछ आप एथलेटिक्स करती है वुमेन का फिगर स्पोर्ट्स है वो बनता है कि दुनिया के बड़े बड़े मॉडल्स रह जाती है पीछे आप बताएं मुझे जो एथलेटिक बॉडी की वुमेन जब आती है मॉडलिंग पे इन सबको लग सुरते जाती है मारिया शारा पोवा के मुकाबले की कोई मॉडल नहीं है मॉडल है वो वो तो टेनिस प्लेयर है

स्ट्रगल कोशिश करें जिस तरह मोहम्मद नवाब वकाल इन्होंने की थी कोशिश की यार बच्चों को तो खिलाओ ना हम तो कुछ नहीं कर सकते ना हमें करने दे रहा है ब्रिटेन ऊपर हो गया गुलाम हमें बना दिया डू वॉट यू कैन और छह साल के अंदर मुस्लिम लीग बनी इस क्लब के तीस साल के बाद और फिर उठी है इधर से वो क्लब जीत रहा है ये पालने जो जू, -जू मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब जीता है स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी बातें शुरू हो जाती है नेशन इंटीग्रेट हो जाती है आधी इंटीग्रेशन तो स्पोर्ट्स ने फुटबॉल ने कर दी थी ये हमसे डाटा छुपा दिया गया एक और भी काम होता है ना वेस्ट के अंदर ये भी मूवमेंट है ना कि ईस्ट को असल बात ही ना बताओ अमूमन हम जब पढ़ते थे पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता हम जब पढ़ते थे जो बच्चा फर्स्ट आता है उससे है कैसे फर्स्ट आता है कहते मैं पढ़ता ही नहीं हम और खुश हम भी नहीं पढ़ते थे ये कभी हो सकता है <laughs> कहते हैं जी खुदा दस ल्यूरो मेक्स अ चैंपियन याद रखिए किसी भी फील्ड में क्यूरियस होना चाहिए बंदे को इफ यू आर क्यूरियस यू कैन बिकम चैंपियन इधर टैलेंट ढूंढते रहते हैं कोई टैलेंट वैलेंट खत्म हो गया ये लिटरेचर पढ़ ले मॉडर्न पूरी दुनिया से लिटरेचर टैलेंट इधर टैलेंट हंट किया जा रहा तो है हमारा ईस्ट और वेस्ट का वो कहा से काम बात ले गए स्पोर्ट्स को साइकी में ले गए पहले माइंड आप अपनी सिर्फ सोच बदले और काम करें ये भाषणों पे जो काम हो रहा है ना ये बड़ा गलत हो रहा है मैं आपको साफ बात बता दूं ये बहुत गलत काम हो रहा है कैथारसिस होता है मोटिवेशन स्पीकर आता है लोग कैथारसिस करते हैं वो आपकी तरीफ करता है आप उसकी तरीफ है, आप उसकी करते हैं कुछ देर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की थी एज अ टीचर ना तो हम लोगों ने ये चीज ना जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोगों के गेम्स बकायदा होती थी टेनिस भी होता था डिफरेंट गेम्स क्रिकेट भी हम लोग खेलते होते थे तो हम लोगों ने ये सोचा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज वो डेवलप करें हम लोगों ने की भी लॉन्ग जम्प के लिए वहां पे वो गड़ा भी खुदवाया हम लोगों ने थोड़ी से उनके लिए एक्सरसाइज उसमें यह हुआ कि एक बच्चे को खेल के दौरान चोट लग गई तो वहां जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमारे ऊपर वो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया उन्होंने कहा हम केस कर देंगे बच्चों को खेलने के लिए भेजा जाता है या जो है ना पढ़ाने के लिए भेजा जाता है सर वो आखिर हमें उन एक्टिविटीज को जो है ना वो स्टॉप करना वो पड़ा तो सर इसमें कुछ जो है वो पेरेंट्स का भी रोल है कि हम लोगों की जो सोसाइटी है एक माँ है वो छोटे से बच्चे को टैब दे के अपना जो है ना वो जिम्मेदारी जो है वो साइड पे कर देती है जी मेरी जान छूट गई है ये बच्चा जो है ना बस या स्कूल के हवाले है या ट्यूशन वालों के हवाले है तो पेरेंट्स को किस तरीके से हम लोग लेके आए कि जो स्पोर्ट्स हैं वो उतनी ही जरूरी है बच्चे की नशो के लिए जितनी की यह स्टडीज है ये बेटी का क्या नाम है यार सर सिद्रा।, सिद्रा बेटे मैं आपको एक चीज बता दू हंड्रेड टीचर्स नॉट मदर ये पेरेंट्स को खुद ख्याल आना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज वो केस तो हो ही नहीं सकता था लीगली केस नहीं हो सकता ठीक है ना वो जो बच्चे को फुटबॉल दूसरा ये है कि बच्चे को जब स्पोर्ट्स में इंजरी होती है ना उसकी रिकवरी का चांस इसलिए ज्यादा जब वो रिकवर करता है वो जिंदगी उसका ट्रॉमा नहीं होता अगर आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं ना बेटा तो उसका बच्चा ट्रॉमा कैरी करता है चाहे आराम से मुंह पे मारे हल्का से यूं भी टैप कर दे बच्चा ट्रॉमा कैरी कर जाता है स्पोर्ट्स में जो इंजरी होती है बच्चा कभी ट्रॉमा कैरी नहीं करता बल्कि उससे रिकवर करके जिंदगी में आगे बढ़ना सीखता है ये पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए लेकिन वो एक केस आप बता रही हैं लोग खेलना चाहते हैं मैं आपको साफ बात बताऊं लोगों को पता नहीं है इन्फॉर्म करें और माहौल दें स्कूल्स के अंदर आपका ये होना चाहिए पेरेंट्स का सब कहेंगे मेरा बच्चा खेलेगा किस वक्त एक तो ये बच्चों ये जो सारे आप ए ग्रेड लेने के चक्कर में पड़ गए ना यार बस कर दो नाइन है ये तो टेन है तो ट्वेल्व है तो फिफ्टीन है, तो, है, तो है मैं ही नहीं कहता पढ़े ना इससे दुनिया आगे चली गई है आपकी एक सोलह बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आप लोग आप में कोई स्पोर्ट्स है कोई बिजनेसमैन है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है सारे ने डॉक्टर बनना है सारे ने इंजीनियर बनना है और कोई काम नहीं आता एक बच्चे में सलाइए है वो कहता है वो मैंने डॉक्टर नहीं बनना उसमें कोई और सिलाई है तो उधर उसको के क्यों तंग कर रहे हैं उनको क्यों तंग कर रहे हैं हमने तो देखना है एज एन इंडिविजुअल आप अगर अपने ख्वाब जो हैं वो उसको उसके ऊपर नहीं चलते तो इट्स योर प्रॉब्लम मैं आपको साफ बात बताऊं मैं ये ट्रेनिंग की फील्ड में शौक से आया हूँ मैं कुछ डॉक्टर इंजीनियर मेरे मेरा मां चाहता था तो मैं नहीं बना मेरे मेरे खानदान में ग्यारह डॉक्टर है मैंने कहा मैं नहीं बनना स्पोर्ट्स मेरा पैशन था मैंने मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया मैं खुद भी खेलता था मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखी है मैं वो भी लोगों को कहता हूँ मेरे से आगे बेशक सीखो उसके बाद मैं ये बुक लिख ली है जो मेरे बस में वो तो अगर मैं बुक ना लिखता आज मैं आपके सामने ना बैठा था चलो खुदा ने कोई राह निकाली आप तक सोच तो जा रही है ना डू वॉट यू कैन कोशिश करें ये हार जीत की परवाह नहीं करते लाइफ में परफेक्शन नहीं होती प्रोग्रेशन होती है चैंपियंस थिंक ऑफ प्रोग्रेशन आपका सोच आगे बढ़ेगी तो काम आगे बढ़ेगा आप इस तरफ सोचें मेरा मकसद था आप इस तरफ सोचें खुद आप हल निकालेंगे अपनी जिंदगी में बी अ नॉट अ बुदेस्ट खुद खोल लें खुद काम कर लें यहां पे लोग हैं यहां पे कुछ लड़कियां जिन्होंने योगा की इंस्ट्रक्टर्स हैं सिखाती हैं योगा ऑनलाइन नहीं सिखाती वहां से पैसे भी बन रहे हैं उनके

पुराने जमाने में लोग गलियों में ये हॉकी खेलते थे वहीं से टैलेंट निकलता था कल्चर था आपने खुद कल्चर घुसाया है तो पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स ने हर पेरेंट तो पेरेंटिस्ट नहीं करता किस पेरेंट ने मना किया वो बेटा एक बोल तो रहा है सर ना दौड़ नहीं लगाता आपकी यूएमटी की अपनी टीम बने अपने जो डिपार्टमेंट्स उनमें खुद टूर्नामेंट करा लें क्या यूनिवर्सिटी ने मना किया हुआ टूर्नामेंट कराने से लेडीज टूर्नामेंट करा लें बैडमिंटन का क्या मसला है कोई मना किया हुआ किसी ने के बाप बड़े अमीर होते हैं वो करवा लो यार उसे के जी अबू क्या अपना दो दो कोक की बोतलें क्या, क्या कहते हैं के और अपना लेंगे इसमें क्या होता है और और एक और चीज सुन घुस तो तो गया यूथ डाइट प्लान मुझे चाहिए आपको नहीं चाहिए भाई रिमेंबर एथलीट्स डोंट डाइट एंड एक्सरसाइज एथलीट्स डोंट डाइट एंड एक्सरसाइज एंड ट्रेन यूथ के अंदर नहीं चाहिए डाइट प्लान बच्चो तुम्हें एनर्जी बढ़ी है, तुम दस मील दौड़ सकते हो वो मुझे चाहिए पचास साल के बंदे को मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है सॉरी जी ये बच्चों के सवाल है कुछ देर रहेगी जी बेटा

<laughs> Nine, की सर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो वहां पर हमें इतना नंबर एक तो मुझे इसमें बहुत सारे सर मेरे क्वेश्चन उनको स्कूल लाना और उनको पढ़ाना एक जहाद है और दूसरा है सर डिमोटिवेटेड टीचर्स क्लास में जाने के लिए तैयार नहीं है पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और इतने फेडब हो चुके हैं कहते हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते और सर तीसरी बात हमें नंबरिंग के पीछे सिलेबस के पीछे कोर्स के पीछे इतना लगा दिया जाता है कि हम ये जो स्पोर्ट्स हैं पहले हम करवाते थे लेकिन अब हम सोचते हैं अगर स्पोर्ट्स करवाएंगे तो ये होगा हमारी कंप्लेन होगी ये यानी हम ब्रेक में भी इवन बच्चियों से कहते हैं कि हमसे पढ़ा करो तो सर ये कुछ क्वेश्चन है मेरे कि हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट हाउ टू मोटिवेट टीचर्स और किस तरह हम कोर्स के साथ साथ एक गवर्नमेंट सेक्टर में हम स्पोर्ट्स को लेकर चल सकते हैं बेटा दुनिया में कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता दुनिया में और कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता ये मैं साफ बता जी जी ऐसा ही है ये चीजें मोटिवेशन एनवायरमेंट से आती है पहली चीज होती है कि लोग सुनना कब आपको शुरू करेंगे ये चीज जेन में रखिएगा ये पैगंबर के लिए भी ये होता था पैगंबर भी यही करते थे अ लीडर वॉक्स स्टॉक अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं ना तो पहले खुद खेलें अब टीचर क्लास में आ रहा है उसको खेलना ही नहीं आता ना उसने कोई स्पोर्ट खेली वो कह रहा है बेटा आप खेला करें क्या असर होना उस पर बॉडीज डोंट लाई मेरा पेट निकला हो ठीक है ना बोला मेरे से जाना रहा हो और मैं कहूं बेटा पढ़ा अपना खेला करें आपने दूसरा जुमला नहीं सुनना मेरा एनर्जी लेवल लो आप सुनेंगे मेरी बात स्पोर्ट्समैन खेलने से नहीं प्लेयर और स्पोर्ट्समैन में फर्क होता है प्लेयर स्किल होता है स्पोर्ट्समैन इज ए करेक्टर आप एक खेल खेले आप आप लोग अपने अपने घरों में ना मैं बताऊं कुछ ना करें मैं तो ये कहता हूं लोगों को एक एक स्किपिंग रोक ले दो पांच मिनट की स्किपिंग पंद्रह मिनट की एक्सरसाइज पे हावी है तीस पुशअप रोज के करें एवरी डे आर मेड एवरीडे एक दिन नहीं हर रोज तीस पुशअप करें रिचिस करें तीस एक किलोमीटर दौड़ लगाएं और सॉपिंग करें आप एक, एक ए, ए, देखें अपना जिसमें आप आपको कभी करा दूंगा अगर आप वन परसेंट रोज इंप्रूव करते हैं एक साल में आप अठारह कर चुके होते हैं सिर्फ वन परसेंट इंप्रूव करें रोजाना अठारह टाइम्स आप अठारह गुना आगे बढ़ जाते हैं दर्ड इज एवरी डे

आधा घंटा अपने आप को दे दो बस अपने जिसम को और अपने दिमाग को सिर्फ आधा घंटा दे दो रेस्ट लीव एवरी अपने जिसम को और अपने दिमाग को सिर्फ आधा घंटा दे दो आप खुद इवॉल्व कर जाएंगे आपकी सोच बताएगी यार मैं ये करता हूं आपकी लोग खुद बात सुनेंगे बॉडी से लोग कंट्रोल हो जाते हैं वरना नहीं होते बेटे मत कंप्लेन करें किसी के ऊपर इन्होंने अगर नहीं सुनते ना सुने जिसने सुनना है वो आपके पास आ जाएगा अब मैं आपको घसीट को तो नहीं, ना यार, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो न, न, नहीं पढ़े अब इसमें मेरा या आपका कसूर नहीं है मेरा कसूर है है कि ठीक मेरे अंदर नहीं है वो कैपेसिटी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ <coughs> पहले लोग नहीं सुनते थे आज मैं यहाँ पे पहुंचू आपके पास मैं लेक्चर दे रहा हूँ मुझे तो नहीं पता था महीना पहले वो तो मैंने किताब लिखी दस बंदे लिखे मौसम मिला कहीं मेरा सर आप लेक्चर देने मैं ना ये किताब लिखू ना इस पर बात करूं मेरे पास कोई नहीं आएगा मेरी बात क्यों सुने आप मेरा कसूर है आई हैव हैव टू टू डिलीवर आई परफॉर्म आप अपनी हेल्थ के ऊपर खुद तवज्जो दें बेटे यू विल बी नेशन एक से कतरा कतरा दरिया बनेगा और यूनिवर्सिटीज में चेंजेस आती हैं आपकी यूएमटी यु, में मैंने पढ़ाया हुआ है आप उसको चेंज ला सकते हैं यू बी द चेंज जरूर आपने किसी का भाषण सुनना है अपने अंदर खुद चेंज ले आपको देख के आपके दोस्त देखेंगे फैमिली देखेंगी जब लोग एक चीज को इवॉल्व होते देखते हैं लोग खुद पीछे पड़ते हैं भी हमें भी बताओ बिल्ड होंगी लोग देखेंगे, यारा, मैं भी पीछे लग जाएंगे आप देख लीजिएगा तो मिलेंगे तो लोग कुछ नहीं करेंगे आप खुद बने अपने ऊपर मेरा मकसद किसी को चेंज करना नहीं आप अपने आप को खुद बदलें मेरा मकसद होता है आप अपने आप को खुद बदलें अपने ऊपर तोज्जे दें अपनी स्ट्रेंथ पे सोचें सिर्फ आप लोग दिन में आधा घंटा अपने जिसम और अपने दिमाग को दे दें बस दैट्स ऑल कुछ ना करें मेरा सारा लेक्चर उठा के फाड़ के पड़े फेंक दे ये भी लिखते हैं कि जी गप मारता है झूठ बोलता है ये भी लिखते हैं मुझे ये भी मंजूर है कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ अपने आप को आधा घंटा दे जी बेटा जी बेटा सर दिमाग को आधा घंटा देने का क्या मतलब है सर हम अपने जो मेंटल उसमें कुछ ना सोचें अपने ऊपर क्वेश्चन पूछें मैं कौन हूं और पूछें कि मेरी हेल्थ कैसी है क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए पूछें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पूछें अपने आप से खुद पूछें क्वेश्चन पूछ लें अपने आप तो फिर करें स्टॉपिंग यू सर सर हम कर रहे हैं देखे बेटक मैं बताऊं जो आपके पास फैसिलिटीज हैं जहांगीर खान के पास नहीं थी जहांगीर खान कराची की गलियों में दौड़ता था कुत्ते पीछे लगते थे उसके लिटरली Literally, मैं आपको बता रहा हूं जो आपके पास फैसिलिटीज हैं वो नहीं है आपके पास तो इन्फॉर्मेशन इतनी है यार ये यूट्यूब पे ऐसी इंफॉर्मेशन है कि घरों में बैठ के लोग यूट्यूब को देखे अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को फिट कर लेते हैं बिलीव मी YouTube पे तो मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है पहले तो यहाँ पे ट्रेनर ढूंढो उसे छितर खाते थे मार खाते थे वो भी पता नहीं किस तरह सिखा रहे हैं लोग मार मार के मारने से बच्चे सीखते हैं आप YouTube पे जाएं आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं आपके पास तो बहुत फैसिलिटीज हैं वो ई स्पोर्ट सीखे ई स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें बताई जाती आप करें उसको मैं आपको साफ बात बताऊ आप सीखना चाहते हैं हैं मैं एक्सरसाइज करता हूं मेरे बच्चे करते बिलीव मी मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा एक्सरसाइज करो ना उन्हें मैंने सुबह कभी उठाया है मैं खुद उठता हूं वो खुद उठते हैं मैं आपको साफ बात बताता हूँ मैं खुद पढ़ता हूँ वो पढ़ते हैं मैंने आज तक किसी को नहीं मैंने रिजल्ट देखे आज तक बिलीव मी मैंने कभी भाषण भूषण नहीं दिया है मैं सिर्फ क्लास में लेक्चर देता था तो मैं ख्याल भाई इसको बेटा वाइंड अप करते हैं इस पर सोचें ठीक है ना आप लोगों से मैं ये चाहूंगा आप माशाला अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और अपने एंटरप्रिन बने ठीक है ना सोचें और पहली चीज बच्चों अपनी हेल्थ पे दें हेल्थ होगी तो आप आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको बता दूं अगर इंसान की सेहत खराब हो तो याद रखिएगा उसका पहला इफेक्ट उसके करेक्टर पे आता है वो सही काम कर ही नहीं सकता जिसकी सेहत ठीक नहीं है ये मैं आपको साफ बात बताऊं करना भी चाहे तो नहीं कर सकता सही सोच रखेगा कर नहीं सकेगा एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है एनर्जी लेवल आप में कम हो जाएगा ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा जी बेटा जी बेटा अवेलेबल कर सकते हैं सर क्योंकि सर मेरा जो मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सर मुझे ना थोड़ी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो मैं प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा हूँ तो मुझे ना हिस्ट्री की काफ़ी ज़रूरत रहती है तो काइंडली आपने काफ़ी चीजें बताई हैं हिस्ट्री की तो ये आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दोगे सर एक काम करें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैं ये मेरी किताब है ये दुनिया में छप बिक रही है इसको ज़रा पढ़िएगा ये मैं मौसम को दूंगा इसका लिंक है ये अमेजोन से मंगवाएं आपके अक्सर सवालों के जवाब इस किताब में और यह काफी सस्ती किताब है आठ डॉलर इसकी कीमत है अगर आपके पास अमेजोन है तो इसको ऑनलाइन पढ़ लें इसमें बहुत सी चीजें हैं और खुद करें मेरा रिकॉर्डिंग आप ले लें लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लें आप उसको डेटा को देख लें इंटरनेशनली है इसको चेकआउट करें मैं इंशाल्लाह आगे जो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में मैं एक दो महीने रुक जाए आई आई विल स्टार्ट स्टार्ट माय चैनल एंड एंड टॉकिंग टू पीपल हैव दिस इस टाइम मेरी जिंदगी की जिसमें मेरा ये मोटिवेशन है जो मेरे दिल में है कि पाकिस्तानी यूथ को ना इकोनॉमिक रियलिटी दी जाए स्पोर्ट्स की ताकि अमीर हो सीधी बात है पैसा बनाएं ये एक फील्ड ओपन है ये बैठे कभी उधर बैंक, बैंकों में धके खा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं जॉबें इनको मिल नहीं रही हैं जो कि एक हकीकत है इसका सोलूशन निकाला जाए एक वो डायमेंशन दी जाए जिसमें ये शौक से घुसेंगे और इसके अंदर इतनी इम्प्लॉयमेंट है जिसकी खाद नहीं है ये है डायमेंशन दुनिया के मुल्कों ने यही काम किया जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान गुजरा है इससे डेवेल्प नेशन भी गुजरी है तो हम अपने जहां खुद पैदा करें एग्रीकल्चर और ये जो है ना स्पोर्ट्स लेट दिस बी अ स्पोर्टिंग नेशन लेट दिस बी अ स्पोर्टिंग नेशन जी बेटा जी बेटा ओके okay, जी आई थिंक लेट्स कॉल इट ऑफ जी थैंक यू वेरी मच बातें तो होती रहेंगी जितनी मर्जी करवा लें लेकिन मैं में कहीं भी अब रुक जाना चाहिए हमें ठीक है जी इस पर सोचिए अपने आपको आधा घंटा दीजिएगा जी

लास्ट में आप लोग को लिंक भेज कर दिया चैट में कर रहे हैं हेलो जी जो है मेरी आवाज आ रही जी सर आप सही है थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी अभी आपकी आवाज क्लियर है अच्छा अच्छा आई एम श्योर sure, बल्कि ये तो ऑबियस था कि सर का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त रहा होगा इस लेवल की बात मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई करता है करते भी होंगे लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए जो है वो सरअ इंस्परेशन बने थे सो आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मेरी वजह से टाइम निकाला और आप और आपके बाकी सारे साथियों से ये बात की और बाकी जो हमारा सेशन पेंडिंग था इनशाला वो भी हम करेंगे जब आपके लिए इजी होगा नेक्स्ट वीक में तो इनशाला हाँ जी आप जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स हैं अगर ये अपना फीडबैक इस सेशन के हवाले से जुहेब को तक पहुंचा दें या मेरे तक पहुंचाना चाहें जैसे भी है आ, कितने स्टूडेंट्स हैं जरा इनसे पूछ लें कितने जो मेरे सेशन में भी थे पहले जिन्होंने लास्ट टाइम मेरा सेशन भी अटेंड किया था हैंड रेस करें जो लास्ट सेशन में भी थे

बाकी यहाँ पे बीच में मिस थी कोई आई डोंट द नेम जो कह रहे थे कि जी स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है या इस तरह के तो मैं और सर मिलके आगे आने वाले कुछ मंथ्स में आ, कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के डिजाइन करें जो कि हम स्कूल्स में जाके टीचर्स के साथ भी स्टूडेंट्स के साथ भी और इवन पेरेंट्स के साथ भी कर रहे होंगे तो फिर उन, उन प्रोग्राम्स के थ्रू हम एटलीस्ट अवेयरनेस पे ला सकेंगे और उस अवेयरनेस की बेस के ऊपर लोग खुद बहुत जो है वो

हेलो जोहेब, जोहेब क्या मेरी आप बात सुन रहे हैं जी मैम एक रिक्वेस्ट है जब ये सर स्टार्ट करेंगे स्कूल्स में तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्कूल्स में अगर कोई इस तरीके से काम किया जाए कि डिफरेंट स्कूल्स में ना सेशन दिए जाएं मैंने ये साहब से भी जब सर सरफाह थे तब भी मैंने उनको ये बात की थी कि स्काउट क्लब को जो है ना वो लोअर लेवल पे भी लेकर आना चाहिए क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो बस एक वो जो कहते हैं ना क्रेमिंग द बुक्स कि वो हर टाइम बुक्स को जाना क्रैम करना हम लोग जो बना रहे हैं ना वो सिर्फ मशीनें पैदा कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अगर स्काउट क्लब की तरफ से अगर कोई होता है तो मैं इंशाल्लाह इसको जरूर ज्वाइन करूंगी तो मैम इंशाल्लाह हम आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारा सेशन होगा उसमें भी काफी इंफॉर्मेटिव हम सेशन अरेंज करेंगे तो स्काउट्स क्लब का लिंक चैट में मैंने शेयर कर दिया और साथ ही नंबर भी मैंने शेयर कर दिया तो फीडबैक्स वगैरह वहां पे आप भेज सकते हैं थैंक यू ऑल अल्लाह स्टे सेफ